देखिए ये नज़ारा देखने को आंखें तरस जाती है। ये त्रिकुटा पर्वत है, ये रेलवे स्टेशन। ये मेरी बहन है, ये चेक कर रही है पहले चाय कैसी है। ज़्यादा मीठी है ना, पी जाओ। सुबह की चाय ज़्यादा मीठी हो जाती है, यहाँ की मना कर रही है ये कि ज़्यादा मीठी है। और अभी हम नीचे भोजनालय में आए हुए हैं और सुबह सुबह ही भीड़ है, और ज़्यादा भीड़ तो बाहर की तरफ है। और इसने कर दिया मना कि मशीन वाली चाय नहीं लेनी, हमें वैसी वाली चाय लेनी। ये देखो भोजनालय, ये श्राइन बोर्ड का ये है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। ये खाना है यहाँ का, रेट दे रखे हैं इन्होंने। एकदम रीजनेबल रेट है, उसी कति जमा करा रहे नोट लेके आ रही है। ये आ गई हमारी 10 चाय, कितने होगी? 4-4.5 आ जाएंगी सब। लगे हुए श्राइन बोर्ड की ऊपर रेलवे स्टेशन पे शॉप है, कितनी सुंदर सुंदर है। अंकल को दे दे बेटा, दोस्तों अभी हम आ गए हैं ऊपर, जो ये भोजनालय बना हुआ है छोटा सा कन्फेंसरी है, यहाँ पे टी का और ये स्नैक्स मैक्स का है। और ये खुलता है 6 बजे सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग। और मैं दिखाती हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलता है। रेट MRP पे होगा, और ऐसा नहीं है कि MRP से ज़्यादा होगा, क्योंकि जैसे चढ़ाई करते हैं ना हम, तो वहाँ पे MRP से 5 रुपये ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका लाने ले जाने का होता है। यहाँ पे ये जो है ना श्राइन बोर्ड का है, वहाँ पे भी जो श्राइन बोर्ड का मिलेगा आपको वो प्रिंट रेट पे ही मिलेगा, MRP पे ही मिलेगा। चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये बिस्किट रखे हुए हैं, केक, चिप्स, लेज वेज, जूस, टोस्ट। और एक ये यहाँ पे मेनू कार्ड रखा हुआ है, ये वाला सारा सामान यहाँ पे मिलता है। ये रेट है इनके, थाली वाली सब कुछ, सांभर, टोस्ट सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आइए और यहाँ पे ज़रूर टेस्ट करिए। सरस्वती दीपा दे अगर तक कभी कभी छुट्टी यार, तो मम्मी ने ठान ली यार कर दिए। हां मम्मी डाल के चलो मां, फिर से मां कोने बड़ा को और तू खुल दी सराम तू जाओ ना तेरे खंडेंगे ना तेरे बार बार मुझे जो चुन ले फिर से सर जाना जरूरी ना इसे उसे बोला मम्मी जब खुल जाने मम्मा। बस अभी सेना हो चुकी है हमारी तैयार वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू करने के लिए। और इसका स्टाइल देखो एक बार, और मौसी ने स्टाइल जुड़ा, और ये बुआ इन्होंने सारे ने नहा धो के यहीं पे कपड़े बदल लिए हैं नए वाले। और मैं जो हूँ मैं वहाँ पे जाके बाणगंगा में नहा के वहाँ पे कपड़े चेंज करें। सारे बोलो मिलकर बोलो हमने माता का पहाड़, और वो हमारी अर्धकुंवारी माता सीमा का स्टाइल, एक सिर पर एक हाथ में
हरिया पीटीआई मारी पास चल रही है। हरिया ऐड इनकी पीटीआई की है या पीटीआई की ऐड बुप्पू थानेदार मारा। हरिया गोलू और मौसम बहुत बढ़िया हो गया, बारिश होगी बंद, तेज हवा चल रही है। गाय को खिलाया जा रहा है खाना, इसमें दो रोटी भी बच रही हैं पोलोथीन में लपेट रखी है, पकौड़े पकौड़े भी दे देना। बोलने लगे माता के साथ साथ नहीं हुआ, कांता बुआ भी बोलो एसटीडी भी बोलो, इन्होंने एसटीडी याद आ रही है मेरी बुआ ने, उसने करना अपने घर पे फोन। चढ़ाई करते वक्त फ्रूट खाते रहे और ये देखो खिलाते भी रहे, अपने को भी हाइड्रेट करें और साथ साथ पशुओं का भी ध्यान रखें कि जो खाना बच जाए पोलोथीन में डाल के ना फेंके, उनको वैसे अपने हाथों से खिला दें, अपने को भी सुकून मिले और उनको भी अच्छे से खाना मिल जाए। सो दोस्तों अभी हम रुके हैं माँ रेस्टोरेंट में और यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में मंगाया है हमने आलू पराठा और दही सबके लिए और सारे बैठ गए हैं। और बच्चा भी पढ़ रही है कि क्या क्या मिलता है यहाँ पे, मटर पनीर, कर लिया लोग मैंने चेंज और अभी आ गई दही, दही और अचार ये रख रहे हैं, अचार अपना दही कटोरी में डाल दी। और ये आ गए हमारे बहुत बड़े बड़े पराठे, अचार और दही, और ये खा रहे हैं और इनका प्यार चल रहा है, एक दूसरे को खिला रहे। इसको लगी मिर्ची, ये मार्केट में भर चुकी है अरले बेरन के किले में। अला मुला देख रहे हैं, श्रद्धा का एक और नज़ारा, यहाँ पे मन्नते मांग के और धागा बांधते, ये देखो कितने ज़्यादा बांध रखे हैं इन्होंने, जय माता दी। ये पीछे वाले भैया अमृतसर से चले हैं माता की ध्वजा लेके और ये ऐसे जाएंगे और हम खाली रहते रहते बुआ थक जाएंगे ना 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 थक, जय माता दी बोलते जाएंगे और चलते जाएंगे। माता में शक्ति, हाँ शक्ति बहुत है, शक्ति है तभी तो ये देखो ना कितना वजन उठा के कंधे पे। जय माता दी। सामने माता का पहाड़, ऊपर अर्धकुंवारी माता का मंदिर और ये त्रिकुटा पर्वत का नज़ारा और ये हमारी हेडक्वार्टर पूरी रेस लगाती हुई और छवि सीटी बजाती हुई होगी। यार ले ली सबने माला, माला खरीद देखो बहुत अच्छी है। हाँ दुकान की तो मेन गेट है, तो ये मेन गेट आ गया है माता का भवन का और यहाँ पे हो गई हमारी चेक पोस्ट होगी कोरोना की वैक्सीन की और हमारी यात्रा पर्ची की जो ये मिस्टर नवीन कुमार निकाल रहे हैं। तो ये हम सारे इकट्ठे हो गए और अभी जा रहे हैं, हम मेन गेट से एंट्री कर रहे हैं और जैसे ही चेकिंग होगी उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर। लेडीज़ की लगी हुई, लेडीज़ की में ज़्यादा भीड़ नहीं है,
और ये देखो जेंट्स की कितनी लंबी लाइन है। ये देखिए ये है यहाँ से होगी, ये है फ्रिस्किंग पॉइंट और यहाँ से होगी हमारी एंट्री। ये यात्रा करते हैं शुरू। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की, सारे बोलो जय माता दी। मम्मी ने ले लिया ये डंडा, मौसी ने भी ले लिया, सारे चल रहे हैं। शिव कुमार का ढाबा, लंगर ढाबा नहीं लंगर। नीचे अभी लंगर की सुविधा नहीं चली हुई। माता दी देखो नजारा मेरी मैया के भवन का, कितना साफ। जय माता दी, जय माता दी बोलते जाओ। जो आप माता के भजन सुन रहे हो, इनको सुनने के लिए ना कान तरस जाते हैं और इतनी मन को शांति मिलती है और माता के दरबार में जाने की खुशी और यहाँ का वातावरण एकदम मन को शांत कर देता है। तो जैसे हम आए हैं अपने परिवार के साथ, आप भी आइए और इसका आनंद जरूर लें। तो बहुत छोटी हो गई और नवीन यहाँ से कुछ सामान खरीद रहा है। ये ना जूड़ी के ऊपर से नहीं आ रही, वैसे वो अपनी हेयर स्टाइल में आ जाएगी। तो अभी मैं यहाँ से सेल्फी स्टिक भी देख लूँगी एक बार। नवीन देख रहे हैं अपने गारमेंट्स। आप फोटो उतरवा सकते हो, आते टाइम आपको फोटो मिल जाएंगे, आधा घंटे में दे देंगे। तो ये स्टूडियो बने हुए हैं यहाँ पे और पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो यहाँ से हमने ले लिया सिम, तो देखेंगे सेल्फी स्टिक। और मैं जा रही हूँ आके, क्योंकि वो चले गए यहाँ के सारे के सारे। उन्हें पता नहीं है कि कहाँ पे बाथिंग घाट है, तो मैं इसलिए उनके साथ साथ चल रही हूँ। ध्यान ये रखना है कि अर्धकुंवारी तक अपने आप को घोड़ों से बचाना है, पिट्ठुओं से भी और पालकी से भी। और इनके रेट जो हैं किराए के, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। हम आ गए हैं बाणगंगा बाथी घाट पे। यार मौसी तो ये आ गए बाणगंगा पे बाथी घाट पे और ये सारे के सारे हाथ मुँह धोएंगे और मैं नहाऊंगी। नाले नाले परी जान दे रे, अरे
शरण जय हनुमान जी, जय मैया देवी शैलपुत्री, जय ब्रह्मचारिणी माता, जय चंद्र घंटा मैया, जय कुसुमंडा देवी, जय स्कंद माता, जय कात्यायनी, जय माँ काली, जय ब्रह्मगौरी, जय माँ सिद्धिदात्री। और यहाँ पे मिला इन दोनों कन्याओं को प्रसाद। ये देखिए नीचे कटरा शहर, और जो आप लाल शेडो देख रहे हो, यहाँ से चल के आए हैं हम गेट से, ये मेन गेट है, और हम अभी आ चुके हैं अर्धकुंवारी के पास। हमने कपड़े चेंज कर लिए थे, नहाए थे बाथरूम पान गंगा में, और ये देखिए इनको नियर पैनियर मैंने रेड कलर का फ्रॉक पहना है, और छवि आगे चली गई है। तो धीरे धीरे चलते जाएंगे, और मम्मी आगे चली गई थी, वो नहीं आए थे, वो पहले ही चले गए थे, तो देखते हैं कहाँ मिलते हैं वो। तो फाइनली अर्धकुंवारी के दर्शन हो चुके हैं, वो देखिए उस अर्धकुंवारी की पहली झलक। अभी हम पहुँचे नहीं हैं, शायद एक और चक्कर है, फिर अर्धकुंवारी पे पहुँच जाएंगे। तो अभी अर्धकुंवारी के पहले दर्शन हुए हैं, बस पास में ही दिख रही है, कान के हमारे बहुत बुरा हाल हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, और ये तो सुबह सुबह बारिश हो गई थी इसलिए ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम ठीक है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखो ये तीन तो हमने मिल ली है, पकड़ लिए तो हमने, अब ये भी हमने इसे ना हमारे में डीजल डल गया, पेट्रोल डल गया। पहले तो मैंने नहीं बताया मुझे क्या लगे मेरी ये हाँ ये मेरी दादी ने कहा मेरा तो पेट्रोल गल दिया, ट्रैक्टर की डाला चल लगी तू, ये देखिए आप अगर माता पे पूछे पा मेरे अर्धकुंवारी में बैठ के बाट देखा ना अपनी, और उन चेहरा का बेरा नहीं वो एक सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर हाँ नीचे में नीचे के नीचे रे ट्रैक को बाद में जाना, बहुत अच्छी आप लोग भी आ जाओ और पी लो। वो बोलने चले, चलो एक वो ऊपर बैठा ये परी जमी। तो यहाँ से हमने लिए हैं राजमा चावल, चाय और कढ़ी चावल, सारों ने बैठ के खा लिया, ये अब हुआ आगे। तो देखिए अभी हम खाना खा के और अर्धकुंवारी की भवन पे आ गए हैं, और ये देखो ये आइसक्रीम खा रही है छवि, और पीछे का नज़ारा देखिए, भीड़ देखिए एक बार कितनी जनसंख्या में भक्त जन आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे नवरात्रे चले हुए हैं, इतनी ज़्यादा भीड़ है। जय माँ वैष्णो देवी। ये देखिए दोस्तों जो जलती हुई माता की, यहाँ पे लाइव चला हुआ है, और भीड़ में दिखाती हूँ इधर से देखिए एक बार, तो भीड़ देखो ये देखो, और अभी जो है लाइन खुली नहीं है, और ग्रुप नंबर चल रहा है 6456645। और ये वाला जो रास्ता है ये पुराने वाला रास्ता है, ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, ये सांझीचत होते हुए जाएगा, और जो वो वाला आप रास्ता देख रहे हो वो वाला नए वाला रास्ता है, और वो जाएगा हाथी मत्था होते हुए। और ये देखो ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, जिनका नंबर लगेगा, जिनका अभी अगला है,
जैसे ही माता की आरती खत्म होगी वैसे इनका नंबर लगना शुरू हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों माता के अर्धकुंवारी भवन पे कितनी भीड़ है, जैसे नवरात्रे चले हुए हैं। ये मेरी मौसी और मेरी सास और मेरी दूसरी मौसी अर्धकुंवारी भवन पर अपना फोटो शूट करा रही है।